Hello everyone, welcome to Momentum IAS. Yet we are here and bringing you one of the another most important topic for the upcoming prelims exams, that is the places in news, and this time we are covering Africa. Africa one of the most important place hai aapka ya theme hai aapka UPSC ka, jahan se regularly UPSC questions pooch raha hai whether the coup has happened या फिर वहाँ पे फेमीन कंडीशन है या फिर वॉयलेंस इरप्ट हो रखा है, तो मोर और लेस वहाँ की प्लेसेस न्यूज़ में रहती हैं और यूपीएससी का एक फेवरेट एरिया है अफ्रीका से क्वेश्चन पूछना. सो लेट्स गेट स्टार्टेड और देखते हैं कि पिछले एक डेढ़ साल में कौन कौन सी न्यूज़ प्लेसेस इन न्यूज़ रही हैं अफ्रीका में. लास्ट थ्री ईयर्स में अफ्रीका में 7 कूप विटनेस किए, जिसमें कि 2 कूप तो 2023 ही में हुए हैं, एक गैबॉन में और दूसरा नाइजर में. फर्दर अगर उससे और पीछे की बात की जाए तो 2022 में बुर्किना फासो में और 2021 में सूडान, गीनिया, चैड, माली में हुए हैं. ये एक आपका अफ्रीका का साहेल रीजन है जहाँ पे मेजरली कूप विटनेस किए गए हैं. बात करते हैं कहाँ कहाँ पे, अगर इसको अफ्रीका के मैप में प्लेसेस को देखते हैं तो वो है आपकी गीनिया, माली, बुर्किना फासो, नाइजर, चैड, सूडान एंड गैबॉन. यहाँ पे अफ्रीका में लास्ट थ्री इयर्स में मेजर कूप्स हुए हैं. जो लास्ट ईयर मतलब 2023 में जो आपके कूप हुए हैं वो उसका एक बार उसके इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें पहली प्लेस है आपकी गैबॉन. अब गैबॉन वन ऑफ द वेल्दीएस्ट नेशन है अफ्रीका का, जो कि आपकी बाउंड्री शेयर करता है एक तो अटलांटिक ओशन से. फर्दर आपके इसके नॉर्थ में इक्विटोरियल गीनिया और कैमरून है और इसके इस रीजन में कॉन्गो से इसका बाउंड्री शेयर होता है. गैबॉन एक वो एरिया भी है अफ्रीका का जहाँ से इक्वेटर पास होता है. फर्दर इट इज़ द फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री जहाँ पे डेट फॉर नेचर स्वैप एक एग्रीमेंट साइन किया था इस कंट्री ने बैंक ऑफ अमेरिका के साथ. अब डेट फॉर नेचर स्वैप क्या होता है, इसमें जब किसी कंट्री ने लोन लिया होता है तो वो एक सामने वाला अगर बॉडी ये परसीव करता है कि वो कंट्री इतना पे नहीं कर सकती तो वो कुछ परसेंटेज ऑफ लोन उनका माफ़ कर देते हैं और उसके जगह उनको कहते हैं कि आप इतना एरिया प्रोटेक्ट करें या कंजर्व करें. तो ये सिमिलर टाइप का वो एग्रीमेंट है. इसी में ही सेकेंड एग्रीमेंट आपका सेकेंड कंट्री थी जिसने ये सिमिलर एग्रीमेंट साइन किया, वो है इक्वाडोर. फर्दर अगर हम आगे दूसरी कंट्री की बात करें जो कि जिसमें कूप हुआ है वो थी आपकी नाइजर. अब नाइजर एक लैंडलॉक कंट्री है वेस्ट अफ्रीका में जो कि अपनी बाउंड्री शेयर करती है अल्जीरिया, लिबिया, चैड, नाइजीरिया, बेनिन, बुर्किना फासो और माली से. फर्दर नाइजीरिया इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे गोल्ड और यूरेनियम के रिजर्व्स भी मिलते हैं. नाउ मूविंग अहेड लेट्स डिस्कस अबाउट साहेल रीजन. साहेल रीजन एक तरीके से आपका ट्रांजिशनल जोन है बिटवीन अफ्रीकन डेजर्ट, सहारा डेजर्ट और सवन्ना के बीच में. तो ये आपका ट्रांजिशनल जोन या ट्रांजिशनल एरिया है बिटवीन अब सहारा डेजर्ट एंड सवन्ना. फर्दर अगर हम इसमें बात करें कि ये कौन कौन सी कंट्रीज इसके पार्ट हैं तो वेस्टर्न मोस्ट में आता है आपका सेनेगल और मॉरिशानिया. फर्दर माली, बुर्किना फासो, नाइजर, नाइजीरिया, चैड, सूडान और ईस्टर्न मोस्ट कंट्री है इसकी एरिट्रिया. नाउ मूविंग फर्दर एक इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन है जिसको आपको रिमेंबर रखना चाहिए, वो है ऑपरेशन बरखाने. ये एक्चुअली एक काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन है जो कि फ्रांस के द्वारा ऑपरेट किया गया है क्योंकि फ्रांस बहुत ही कम ऐसे काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन करता है, मगर ये साहेल रीजन में कर रखा है तो ये आपका इम्पॉर्टेंट बन जाता है. फर्दर मूविंग अहेड नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एरिया इज साउथ सूडान. अब ये क्यों न्यूज़ में था, इसका रीज़न था ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस. अब यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के मल्टीपल रीजंस है. एक तो यहाँ पे सब नेशनल वॉयलेंस हो रहा है जिसकी वजह से इंटरनल डिस्प्लेसमेंट्स बहुत हुए हैं और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है इसका क्लाइमेट चेंज. अब सूडानीज गवर्नमेंट को एक्यूज़ किया जाता है कि वो एक जंजावीड नाम का एक प्रॉक्सी ग्रुप है जो कि वो रिबल्स उसके अगेंस्ट यूज़ करते हैं.
फर्दर अगर हम इसमें इम्पॉर्टेंट एरिया देखें जो कि जनरली न्यूज़ में रहते हैं, वो है आपका दारफुर, एबी और खातून रीजन। ये सारे रीजन अगर क्वेश्चन के फॉर्मेट में आते हैं तो आपको याद रखना चाहिए। एबी वो रीजन है जो कि सूडान और साउथ साउथ सूडान के बीच में एक डिस्प्यूटेड एरिया है। फर्दर ये वो वाला एरिया भी है जहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने लार्जेस्ट वुमेन कंटिंजेंट भेजा था फॉर पीस कीपिंग। और खार्तूम आपका वो रीजन है जहाँ पे एक कॉन्फ्लुएंस होता है आपका ब्लू नाइल और वाइट नाइल का। ब्लू नाइल ये रहा खार्तूम एरिया और ये रहा कॉन्फ्लुएंस पॉइंट। ये आ रही है आपकी वाइट नाइल फ्रॉम लेक विक्टोरिया और ये आ रही है आपकी ब्लू नाइल फ्रॉम इथोपिया, जो कि फर्दर आपका यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस होके फर्दर ये नाइल रिवर बना लेती है। और एबी रीजन आपको याद रखना है कि सूडान और साउथ सूडान के बीच में डिस्प्यूट का रीजन रहा है। फर्दर मूविंग अहेड, नेक्स्ट है तंजानिया। तंजानिया क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि यहाँ पे आईआईटी मद्रास ने अपना फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस खोला था आउटसाइड इंडिया, जो कि है जांजीबार में। नाउ जांजीबार आपका इंडियन ओशन में एक आइलैंड है जो कि पार्ट है तंजानिया का, इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट बन जाता है। अगर हम बात करें कि इम्पॉर्टेंट बॉर्डर्स क्या हैं तंजानिया के, तो वो है आपका केन्या, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, जाम्बिया एंड DRC डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। फर्दर इधर है मलावी एंड मोजाम्बिक। फर्दर अगर बात करें तीन इम्पॉर्टेंट लेक हैं जो कि ग्रेट अफ्रीकन लेक के पार्ट हैं, वो भी तंजानिया में फ्लो करते हैं, जिसमें आपकी है एक इम्पॉर्टेंट लेक विक्टोरिया, लेक तंगानिका, फर्दर है लेक मलावी। ये लेक आपकी लेक है मलावी। बहुत सारी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको मैप के थ्रू भी मिल जाती है, जो कि आपके राइटअप का पार्ट नहीं है, जैसे है कि माउंट किलिमंजारो, ये भी आपका तंजानिया में ही मिलता है। फर्दर मूविंग अहेड, अब बात आती है इथोपिया की। इथोपिया आपका क्यों न्यूज़ में रहा है, और उसका पहले भी ये UPSC के क्वेश्चन का पार्ट रहा है, जिसमें टिग्रे और ओरोमिया रीजन उसमें पहले भी पूछा जा चुका है। इस बार ये न्यूज़ में रहने का इसका कारण है, इसके तीन रीज़न, फर्दर टिग्रे, अमराहा एंड ओरोमिया। टिग्रे, ओरोमिया और अमराहा रीजन। अब ये वाला रीजन है, ये यहाँ पे ये ड्रॉट फेस कर रहा है, इसलिए न्यूज़ में था। फर्दर टिग्रे आपका कॉन्फ्लिक्ट है इरिट्रिया और इथोपिया के बीच में, इसलिए न्यूज़ में रहता है। और ओरोमिया इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि यहाँ पे जो इथोपियन गवर्नमेंट है उनका पीस पैक्ट ओरोमो लिबरेशन फ्रंट के साथ फेल कर गया है। फर्दर अगर हम बात करें, एक यहाँ पे एक डिप्रेशन बनता है जिसको अफार डिप्रेशन कहते हैं या फिर दनाकिल डिप्रेशन कहते हैं। ये रिलेटिवली लो लैंड है रेस्ट ऑफ इथोपिया से, इसकी वजह से यहाँ पे दो सॉर्ट लेकें मिलती हैं, लेक करूम और लेक अफेरा। फर्दर जो लार्जेस्ट लेक है इथोपिया की, लेक ताना, और ब्लू नाइल का सोर्स भी है, वो भी इथोपिया में मिलता है। नाउ मूविंग अहेड, इकोवास। इकोवास की बात करें तो जिस तरीके की यूरोपियन यूनियन एक यूनियन है, इकोनॉमिक यूनियन, उसी तरीके वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज़ ने एक अपना इकोनॉमिक यूनियन बनाया था, नॉन मिलिट्री इकोनॉमिक यूनियन बनाया था, जिसका नाम दिया उन्होंने इकोवास, और इसका हेडक्वार्टर है नाइजीरिया में। ये न्यूज़ में लास्ट डेज में इसलिए भी था क्योंकि बुर्किना फासो, माली और नाइजर ने अपना इस एसोसिएशन से अपना नाम विड्रॉ कर लिया है। अगर हम इसके मेंबर स्टेट्स की बात करते हैं तो वो है आपका सेनेगल, गाम्बिया, गुनिया बासो, केप वर्दे, सियरा लियोने, लाइबेरिया, आइवरी कोस्ट, घाना, टोगो, बेनिन, नाइजीरिया। तो ये आपके इम्पॉर्टेंट मेंबर कंट्रीज़ हैं इकोवास के। नाउ फर्दर द अनदर एरिया दैट वाज इन न्यूज़ इन अफ्रीका वाज सोमालिया। सोमालिया पायरेसी इवेंट्स के लिए, पायरेसी एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा हमेशा न्यूज़ में रहता है, और उसके साथ साथ पॉवर्टी और हंगर ये भी यहाँ पे रहते हैं रेगुलरली। और इन ड्यू टू एल नीनो एक वेदर इवेंट है, इसकी वजह से फ्लैश फ्लड्स भी सोमालिया में आई हैं,
इसलिए भी ये लास्ट ईयर बहुत न्यूज़ में था। फर्दर जब पायरेसी की बात करते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑपरेशन संकल्प लॉन्च किया था फॉर एंटी पायरेसी एक्टिविटीज़। नाउ अगर हम इम्पॉर्टेंट एरियाज़ की बात करें सोमालिया की, तो वो है आपकी जिबूती, गल्फ़ ऑफ एडन, इंडियन ओशन, देन केन्या। और सोमालिया आपका एक हॉर्न ऑफ अफ्रीका का भी पार्ट है, जिसकी अदर कंट्रीज़ हैं आपको निमोनिक सीट के थ्रू याद करवाई थी। नौ जो इम्पॉर्टेंट रीजन है जो सोमालिया के जो न्यूज़ में थे वो है पंडलैंड। ये एक ऑटोनोमस रीजन है, प्लस ये सोमालिया के साथ डिस्प्यूट में है ड्यू टू दिस पर्टिकुलर एरिया। लास्ट अनॉट सिटी है, ये इनका डिस्प्यूट रीजन है सोमालिया के साथ। फर्दर जूबालैंड, ये भी एक ऑटोनोमस रीजन है, मगर ये केन्या के साथ डिस्प्यूट में है ड्यू टू सम रीजन। फर्दर यहाँ पे इथोपिया और सोमालिया के बीच में एक पड़ता है ओगाडेन रीजन, जो कि फर्दर लैंड डिस्प्यूट है बिटवीन दीज टू कंट्रीज। सर्टन अदर रीजन, दिस इज सोमाली लैंड, इट इज सेल्फ गवर्निंग रीजन, बट इट हैज़ नॉट बीन रिकोगनाइज येट। नाउ मूविंग अहेड टू लेक रतबा, इन रीसेंट ईयर्स दिस लेक हैज़ टर्न पिंक। अब इसका रीज़न क्या है, इस लेक का पिंक टर्न होने के कारण, इसका मेन रीज़न है ड्यू टू हेलोफिलिक ग्रीन एल्गी। नाउ अदर भी इम्पॉर्टेंट जो पिंक लेक्स हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं, वो आप रिकोगनाइज कर सकते हैं ऐसे भी। डस्टी रोज लेक, लगूना कोलोराडो लेक बोलीविया में है, ये कैनेडा में है। फर्दर ऑस्ट्रेलिया में आपकी 3 लेक्स हैं जो कि पिंक कलर टर्न हो चुकी है। अजरबैजान में आपकी मजासर लेक है, और स्पेन में आपकी सेलिना डी टोरोविजा लेक है। नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग कि सेनेगल न्यूज़ में इसलिए भी था कि 46 लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ ने एक डिक्लेरेशन साइन किया था क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग, कि उनकी COP28 से क्या उम्मीदें हैं या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। COP28 आपको याद होना चाहिए कि ये UAE में ऑर्गेनाइज किया था। फर्दर एक और डिक्लेरेशन है ऑन रोड सेफ्टी, जो कि 2021 में साइन हुआ था, उसे भी डाकर डिक्लेरेशन ही कहते हैं। डाकर इसका आपका कैपिटल सिटी है सेनेगल में। अदर एरिया इज कास्मेंस एरिया, ये आपका सेपरेटिस्ट मूवमेंट यहाँ पे हो रहा है, इसलिए भी ये न्यूज़ में था। नाउ मूविंग अहेड, नेक्स्ट इज चैड। दो रीजन्स की वजह से ये चैड रीजन आपका न्यूज़ में था। फर्स्ट इज इंसर्जेंसी बाय बोको हराम, सेकेंड इज जो लेक चैड है आपकी, वो आपकी 90% ड्राई हो गई है। नाउ इफ़ यू रिमेंबर इन 2018 जब अरब सी इमेंसली ड्राई अप हो गया था, तो 2018 में UPSC ने क्वेश्चन पूछा था, सिमिलरली लेक चैड भी आपकी 90% तक ड्राई हो गई, तो इम्पॉर्टेंट बनता है कि इसकी बाउंड्री कंट्रीज़ पूछे, प्लस इसका बेसिन के बारे में हम जाने। तो अगर हम लेक चैड को देखें तो 4 कंट्रीज़ हैं जो इसके बॉर्डर हैं। फर्स्टली इज चैड, देन कैमरून, देन नाइजर, देन नाइजेरिया। नाउ अगर इसके हम बेसिन की बात करें तो अपार्ट फ्रॉम दीज 4 कंट्रीज, 2 और कंट्रीज़ हैं जो इसके बेसिन का पार्ट बनती हैं, एक है सूडान, दूसरा है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि क्योंकि यहाँ पे अब नाइजेरिया में आपका इंसर्जेंसी पीक पे रहती है, तो इसकी वजह से थाउजेंड्स ऑफ रिफ्यूजीज आपके माइग्रेट करते हैं चैड में भी। जब आपके ये जो, तो यहाँ पे एक लैक रीजन है जो कि ये रिफ्यूजीज को होस्ट करता है। फर्दर जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है वो है आपका ब्राज़ाविले समिट। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट समिट इसलिए भी है क्योंकि एक तो ये समिट ऑफ 3 बेसिन्स है। 3 बेसिन्स कौन कौन से, एक अमेज़न बेसिन, एक कॉन्गो बेसिन, एक बोर्नियो मेकोंग साउथ ईस्ट एशिया बेसिन। नाउ लास्ट ईयर आपका कॉन्गो बेसिन से सवाल पूछा गया था, हो सकता है सर अमेज़न बेसिन या फिर मेकोंग बेसिन से भी सवाल पूछा जा सकता है। फर्दर इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है कि ब्राज़ाविले एक आपका पीटलैंड है। पीटलैंड इज़
वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एरिया फॉर द कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। और पीटलैंड होता क्या है? पीटलैंड इज द ट्रांजिशनल एरिया बिटवीन द टेरिस्ट्रियल एंड द एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो ये आपका टेम्परेट जोन में ही मिलेगा और ये आपका ट्रॉपिकल जोन में ही मिलेगा। अगर फर्दर हम अगर कॉन्गो बेसिन की बात करें तो इसमें 6 कंट्रीज़ हैं। 6 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? कैमरून, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इक्वेटोरियल गुनिया एंड गैबन। फर्दर अगर अमेजन बेसिन की बात करें तो ये 9 कंट्रीज़ को होस्ट करता है, प्लस ये सबसे लार्जेस्ट बेसिन भी है। ये है ब्राज़ील, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, बोलीविया, फ्रेंच गुनिया, सूरीनेम एंड गुआना। फर्दर अगर हम बोर्नियो मेकोंग गंगा की बात करें तो मेकोंग रिवर जो है वो आपकी 6 कंट्रीज़ को क्रॉस करती है। साउथ ईस्ट एशिया में आपकी है चाइना, देन म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। फर्दर जो बोर्नियो है वो आपका 4th लार्जेस्ट आइलैंड है इन द वर्ल्ड। और जो ये बोर्नियो आइलैंड है ये आपका 3 कंट्रीज़ में डिवाइडेड है, जो कि है ब्रूनी, मलेशिया, इंडोनेशिया। दिस एरिया ब्रूनी, मलेशिया एंड इंडोनेशिया, ये आपका बोर्नियो बनाता है। नाउ मूविंग अहेड, अनदर प्लेस विच वॉज इन न्यूज़ वॉज नाइजेरिया। नाउ इट हैज़ बीन रेगुलरली इन न्यूज़ ड्यू टू द फूड सिक्योरिटी एंड द इंसर्जेंसी। और अगर इसके हम बॉर्डर कंट्रीज़ की बात करें तो वो है आपकी नाइजर, चैड, कैमरून, गल्फ ऑफ गुनिया, बेनिन एंड अटलांटिक ओशन। फर्दर अगर हम ओगुटा लेक भी आपकी नाइजेरिया में है और ये आपका वन ऑफ द PYQ का पार्ट रहा है। अगर हम यहाँ पे एथनिक ग्रुप की बात करें तो आपका है हौसा, ओरूबा, इग्बोर, ओकुमा। इम्पॉर्टेंट प्लेसेस में देखें तो है बे स्टेट। बे स्टेट किसको डिफाइन करता है? बोर्नो, अडामवा और योबे। एंड डिफाइंड बियात्रा रीजन, ये आपका भी नाइजेरिया का पार्ट है और जो कि न्यूज़ में रहा है। नाउ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस इज मोजाम्बिक। मोजाम्बिक आपका एक कोस्टल कंट्री है जो कि इंडियन ओशन में से बाउंड्री है उसकी एक तरफ। और फर्दर जो इम्पॉर्टेंट एरियाज़ हैं, बॉर्डर है एरियाज़ हैं, वो है आपका तंजानिया, मलावी, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका एंड इस्वातिनी। इस्वातिनी इज ऑल्सो नोन एज स्वाजीलैंड। अब ये न्यूज़ में क्यों था? ये इस रीजन की वजह से न्यूज़ में था। पहला तो इसका मेन कारण है कि यहाँ पे एक इस्लामिस्ट इंसर्जेंसी राइज हो रखी है, और दूसरी बात है यहाँ की जो गैस फील्ड है वहाँ पे ONGC विदेश, BPCL, OIL इनका 30% स्टेक है और ये अपना प्रोडक्शन ये रिज्यूम करने वाले हैं। फर्दर इम्पॉर्टेंट एरिया इज़ लिम्पोपो रिवर। ये एक अकेली रिवर है मोजाम्बिक में जो कि आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार काटती है। ये आपकी साउथ अफ्रीका में राइज करती है ये रिवर, और ये मोजाम्बिक के थ्रू इंडियन ओशन में ड्रेन होती है। फर्दर इम्पॉर्टेंट रिवर इज जाम्बेजी रिवर। ये आपका 2020 के प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछा UPSC ने। ये 4th लॉन्गेस्ट रिवर है अफ्रीका में आफ्टर रिवर नाइल, कॉन्गो एंड नाइजर रिवर, और जो कि ईस्ट फ्लोइंग रिवर है और जो आपकी इंडियन ओशन में ड्रेन करती है। नाउ मूविंग अहेड, विक्टोरिया फॉल्स। तो जो आपका विक्टोरिया फॉल्स है दिस एरिया, ये आपका जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में वर्ल्ड का लार्जेस्ट वाटरफॉल है। फर्दर जो आपका लेक करीबा है, ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है। और ये दूसरी बात, ये रीजन इसलिए भी आपका न्यूज़ में था जिम्बाब्वे वाला, क्योंकि जिम्बाब्वे 3rd कंट्री बन गई है जिसने ड्रॉट डिक्लेयर किया है। पहली दो कंट्री कौन सी थी? एक जाम्बिया थी और दूसरी थी मलावी, अफ्रीकन कंट्रीज जिन्होंने ड्रॉट डिक्लेयर किया है। फर्दर जिम्बाब्वे इसलिए भी न्यूज़ में था क्योंकि इन्होंने एक नई करेंसी लॉन्च करी है, ज़िग, जो कि गोल्ड बैग्ड है। और गोल्ड बैग्ड इसलिए क्यों? बिकॉज दे वर फेसिंग हाइपर इन्फ्लेशन। नाउ मूविंग अहेड, द 2 इम्पॉर्टेंट एरियाज़, जैसे अभी हमने अफ्रीका में आप साहेल रीजन डिस्कस किया है, वैसे ही 2 इम्पॉर्टेंट एरियाज़ हैं मागरेब रीजन और माशरिक रीजन। नाउ जो ये मागरेब रीजन है, ये आपका, इसको हम कहते हैं प्लेस ऑफ सनसेट भी,
सिमिलरली जो मशरिक रीजन है उसको हम कहते हैं प्लेस ऑफ सनराइज। मगरिब रीजन आपका वेस्टर्न अफ्रीका का पार्ट है, मशरिक रीजन आपका ईस्टर्न अफ्रीका का पार्ट है। यहाँ पे लिबिया के पास गल्फ ऑफ सिद्रा है जो कि मगरिब रीजन और मशरिक रीजन को डिवाइड करता है। अगर हम कंट्रीज़ की बात करें तो ईस्टर्न अफ्रीका की कंट्री प्लस अरेबियन पेनिनसुला ये आपका पूरा मशरिक रीजन का पार्ट है जिसमें इजिप्ट सूडान आता है। फर्दर अगर हम मगरिब रीजन की बात करें तो इसकी जो कंट्रीज़ होंगी वो है आपका, इसको बारबरी कोस्ट भी कहते हैं और इसकी कंट्रीज़ में आएंगी अल्जीरिया, मोरक्को, लिबिया, मॉरिशानिया, वेस्टर्न सहारा, ट्यूनीशिया, ये आपका मगरिब रीजन का पार्ट है। फर्दर आपको ये पता होना चाहिए कि अल्जीरिया जो है वो अफ्रीका की लार्जेस्ट कंट्री है। नाउ मूविंग अहेड, अनदर इम्पॉर्टेंट प्लेस दैट वॉज इन न्यूज़ इन अफ्रीका वॉज बोट्सवाना। बोट्सवाना एक वो एरिया है जो कि एलिफेंट्स की लार्जेस्ट पॉपुलेशन को होस्ट करता है और ये इसी कारण ही न्यूज़ में था क्योंकि यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ एलिफेंट की डेथ हो गई है और उसका एक मेजर रीज़न है ड्रॉट जो कि आपका पड़ा ओकोवांगो डेल्टा में। ये रिवर ड्राई हुई जिसकी वजह से आपका वाटर स्कार्सिटी हुई और जो कि एक मेजर कारण बना हंड्रेड्स ऑफ एलिफेंट्स की डेथ के पीछे। फर्दर बोट्सवाना रीजन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये कालाहारी डेजर्ट का पार्ट है। नाउ कालाहारी डेजर्ट आपका तीन इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हैं या तीन इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ है जो कि बाउंड्री शेयर करते हैं कालाहारी डेजर्ट के साथ या उनका पार्ट है। फर्स्ट है आपका बोट्सवाना, देन नाम्बिया, देन साउथ अफ्रीका। नाउ अगर हम बोट्सवाना की बॉर्डर एरियाज़ की बात करें तो वो आपका नाम्बिया, अंगोला, जिम्बाब्वे, देन साउथ अफ्रीका, ये आपकी बॉर्डरिंग एरियाज हैं। नाउ मूविंग अहेड, गल्फ ऑफ गीनिया आपका अटलांटिक ओशन में वेस्टर्न सहारा में आपका एक इम्पॉर्टेंट एरिया है और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन के इंटरसेक्शन पॉइंट पे बसा हुआ है। फर्दर अगर हम बात करें यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट रिवर आती है, नाइगर रिवर और वोल्टा रिवर जो कि गल्फ ऑफ गीनिया में ड्रेन करती हैं और ये इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि इंडिया ने INS सुमेधा भेजा था एंटी पायरेसी मिशन के लिए गल्फ ऑफ गीनिया में। नाउ मूविंग अहेड, अनदर एरिया न्यूज़ वॉज DRC, दैट इज़ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन अफ्रीका, फर्स्ट वन इज़ अल्जीरिया। अब ये न्यूज़ में था बिकॉज ऑफ द डिस्प्यूट विद रवांडा और प्लेसेस कौन सी थी जहाँ पे डिस्प्यूट था, नॉर्थ एंड साउथ कीवू, इतूरी एंड गोमा। दिस एरिया यहाँ पे ही ये सारी प्लेसेस पड़ती है, नॉर्थ साउथ कीवू, इतूरी एंड गोमा। और ये क्यों न्यूज़ में था क्योंकि एक यहाँ पे M23 ग्रुप है जो कि रवांडा बैक है और ये कॉन्गोलीज आर्मी के साथ रेगुलरली फाइट में है। नॉकिंस हासा इस DRC कैपिटल। और लास्ट ईयर एक क्वेश्चन पूछा था कि लार्जेस्ट कोबाल्ट रिजर्व कहाँ मिलते हैं, उसका आंसर था कॉन्गो, मगर उसमें भी कीवू रीजन है जहाँ पे आपके लार्जेस्ट कोबाल्ट का रिजर्व मिलता है। फर्दर रवांडा जेनोसाइड आपको पता होगा कि ये 1994 में हुआ था जहाँ पे जो मेजॉरिटी थी आपकी हुतूस एथनिक ग्रुप था, उन्होंने लैक्स एंड लैक्स ऑफ तुत्सीज़ ग्रुप को किल किया था। नाउ मूविंग अहेड, अनदर इम्पॉर्टेंट एरिया इन न्यूज़ इज़ लिबिया। लिबिया क्यों न्यूज़ में था, इसकी कैपिटल है त्रिपोली और ये मेडिटेरियन इसका बाउंड्री एरिया है। लिबिया इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि यहाँ पे कैटास्ट्रोफिक फ्लड आई थी ड्यू टू स्टॉर्म डेनियल। अब क्योंकि ये स्टॉर्म मेडिटेरियन में सी में था इसलिए इसको हम मेडिकिन स्टॉर्म भी कहते हैं। जो इसका इम्पॉर्टेंट या अफेक्टेड एरियाज थे वो थे दो मेजर डैम्स, एक था अल बिलाद और दूसरा था अबू मसौर। दूसरा जो सिटीज़ थी जो लिबिया के अफेक्टेड थी वो थी डर्ना सिटी, मेनगाजी, अल मर्ज और अल बायदा।
फर्दर जो ये स्टॉर्म आया था, स्टॉर्म डैनियल, इट वॉज ड्यू टू ओमेगा ब्लॉक. अब ओमेगा ब्लॉक क्या होता है? ओमेगा ब्लॉक एक ज्योग्राफिकल फिनोमिना है जो कि जब जेट स्ट्रीम का मूवमेंट हो रहा होता है और ड्यू टू हाई प्रेशर, ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ हाई प्रेशर, उसका मूवमेंट इस फॉर्मेट में हो जाता है, तो आपका एक ओमेगा फॉर्म कर रहा होता है. इसीलिए इस फिनोमिना को ओमेगा ब्लॉक कहते थे. एंड ड्यू टू दिस फिनोमिना व्हाट हैपेंस, यहाँ आपका हाई प्रेशर कंडीशन बनती है, यहाँ आपकी लो प्रेशर कंडीशन बनती है. तो जहाँ हाई प्रेशर कंडीशन बनती है वहाँ पे आपके ड्राउट्स पड़ते हैं, जहाँ पे आपकी लो प्रेशर कंडीशंस बनती है वहाँ पे आपके फ्लड्स आते हैं. ये है आपका ओमेगा ब्लॉक. नाउ मूविंग अहेड, वी हैव सर्टेन इम्पॉर्टेंट लेक्स ऑफ अफ्रीका जिसको हम लोग ग्रेट लेक्स भी कहते हैं, उनके बारे में, उनकी बाउंड्रीज के बारे में पता करते हैं. पहला है आपका लेक ताना जो कि आपकी इथोपिया में है. दूसरा है आपका लेक अल्बर्ट जो कि कॉन्गो युगांडा के साथ बाउंड्री शेयर करता है. फर्दर है लेक तुरकाना जो कि आपका केन्या में है और थोड़ा सा पार्ट उसका इथोपिया में भी लाई करता है. फर्दर है आपकी लेक न्यासा जिसको हम लोग लेक मलावी भी कहते हैं और ये मलावी, तंजानिया और मोजाम्बिक के बीच में है. नेक्स्ट है आपकी लेक विक्टोरिया, लार्जेस्ट वाटरफॉल फॉर्म करती है, ये आपकी है तंजानिया और युगांडा और ये केन्या में, तीन कंट्रीज में पड़ती है, तंजानिया, युगांडा और केन्या. नाउ नेक्स्ट इज लेक तंगानिका, ये आपका तंजानिया, DRC, बुरुंडी और जाम्बिया के साथ इन रीजन में फॉल करती है. नाउ नेक्स्ट इज लेक चैड, ये आपको पहले ही बताया है यह कि चार कंट्रीज का पार्ट है, चैड, कैमरून, नाइजर एंड नाइजेरिया. नाउ नेक्स्ट इज लेक नासिर, ये आपकी लेक्स ऑफ अफ्रीका जो कि ग्रेट लेक्स का पार्ट है और लेक नासिर आपकी मैनमेड लेक है, मगर ये लार्जेस्ट मैनमेड लेक है वर्ल्ड की और ये आपका साउथ इजिप्ट और नॉर्थ सूडान का पार्ट है, समवेयर दिस साइड. सो वी हैव कवर्ड ऑल द इम्पॉर्टेंट प्लेसेज दैट वर पार्ट ऑफ द अफ्रीका एंड विच वर इन द न्यूज़ फ्रॉम द लास्ट 1.5 years. होपफुली दीज प्लेसेज मोर और लेस विल कवर ऑल द इम्पॉर्टेंट एरियाज दैट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन. अगर आप इसको दो बार इस स्लाइड को, इस वीडियो को देखेंगे तो आपका ये एक रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा हो जाएगा, प्लस आपका टाइम भी आप बहुत इफेक्टिवली आप मैनेज कर सकते हैं. होपफुली आप इस वीडियो को बहुत यूज़फुल पाएंगे. एंड फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोज़ एंड कंटेंट डू विजिट अवर वेबसाइट एंड यूट्यूब पेज. थैंक यू सो मच.